प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मूसा ने एक कुशी स्त्री से शादी की। उससे पहले मूसा की शादी सिपोरा के साथ हो चुकी थी और उसके कई सालों के बाद मूसा ने कुशी स्त्री से शादी की। कुशी स्त्री मतलब अन्य जाति की स्त्री, उसके साथ मूसा ने शादी की। और मूसा के जो बड़े भाई थे हारून, वो प्रधान याजक थे वो, और उनकी बड़ी बहन मरियम, वो दोनों ने मूसा का जमकर विरोध किया और बोले तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मूसा कुछ नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर आए मूसा के पक्ष में खड़े रहे और उन लोगों को डांटा, मरियम को डांटा, हारून को डांटा, मेरे दास मूसा के विरोध में क्यों बोलते हो, ऐसे उन लोगों को डांटा। इतना ही नहीं, जो मरियम थी वो तो कोढ़ी हो गई। फिर मूसा के कहने से परमेश्वर ने उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लिया। दाऊद राजा थे, उन्होंने बादशाह से शादी की। जब उन्होंने बादशाह से शादी की तो किसी ने दाऊद का विरोध नहीं किया कि दाऊद तूने ऐसा क्यों किया, कुछ भी विरोध नहीं किया। लेकिन तब परमेश्वर ने दाऊद को डांटा, नातान भविष्यवक्ता को भेजकर दाऊद को डांटा और साथ में जो उसको दंड भी दिया, दंड भी भारी था। ऐसा क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? जब मूसा ने दूसरी शादी की तो मूसा का पक्ष लिया, जब दाऊद ने दूसरी शादी की तो दाऊद को डांटा, उसको दंड भी दिया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या भेद है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। मूसा परमेश्वर के अच्छे दास थे और इज़राइल लोगों को उन्होंने छुड़ाया था और बहुत सारे चमत्कार किए थे और हर बार वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते थे। परमेश्वर उनके साथ आमने सामने बातचीत किया करते थे और मूसा के साथ परमेश्वर सीधी सी बात करते थे। सीधी कहने का मतलब है भेद वाली बात नहीं कि किसी का मतलब ना समझ आए, ऐसी कोई बात परमेश्वर मूसा से नहीं करते थे, लेकिन मूसा से सीधी बात करते थे। दूसरी बात, परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई थी। आज तक ऐसा कोई परमेश्वर का दास नहीं हुआ जिसने परमेश्वर को देखा हो, कोई चीज़ भी देखी होगी। जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने आत्मा में देखा, दर्शन में देखा, लेकिन सिर्फ मूसा अकेले से कि उन्होंने अपनी आँखों से परमेश्वर को पीछे से लेकिन देखा, ऐसे बड़े दास मूसा हो गए। परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही भी दी कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इसराइल में पैदा नहीं हुआ। तो मूसा के लिए परमेश्वर ने गवाही भी दी कि मूसा बहुत बढ़िया है, मूसा बहुत अच्छे है। अब ऐसे मूसा ने दूसरी शादी की और जो दूसरी शादी की वो शादी की थी उन्होंने कुशी स्त्री से शादी। कुशी स्त्री मतलब कुश में रहने वाली स्त्री, उसके साथ शादी की और परमेश्वर ने उसी मूसा को आज्ञा दी थी कि मूसा लोगों को बोल दे कि इसराइल के बाहर से किसी स्त्री को लाने नहीं है और किसी लड़की को बाहर देने भी नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी और मूसा ने बाहर की ही लड़की के साथ शादी की। और जब हारून और मरियम ने उनका विरोध किया तब परमेश्वर मूसा के साथ खड़े रहे, मूसा का पक्ष लिया। चलो परमेश्वर ने मूसा का पक्ष क्यों लिया, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अब मैं बात करता हूँ दाऊद की बात। मेरे साथ वीडियो में बने रहो ताकि सारे सवालों के जवाब आपको मिले। अभी दाऊद राजा की बात करें तो दाऊद राजा जो थे वो भी परमेश्वर के चहेते थे, परमेश्वर के मनपसंद थे, वो भी परमेश्वर का कहा हुआ सब कुछ करते थे, वो भी कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर से पूछ कर ही करते थे। अभी दाऊद राजा ने काफ़ी लड़ाया लड़ी और सभी जगह पर उन्होंने विजय हासिल किया, उनके हाथ में इज़राइल का राज्य स्थिर हुआ और अब लड़ाई करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब चारों ओर लोग दाऊद से डरते थे। लेकिन फिर भी किसी के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन दाऊद लड़ाई के लिए नहीं गए थे क्योंकि अब दाऊद को लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी, सभी लोग दाऊद की सेना से डरते थे। अभी क्या हुआ कि दाऊद दोपहर में सो गए
शाम को उठे और उठकर जो उनका महल था उनके टेरेस पर जाकर वो इधर उधर घूमने लगे। जब वो इधर उधर घूम रहे थे तो वहाँ से मालूम नहीं कितनी दूरी पर लेकिन बात से बात वो नहा रही थी। अभी नहाते कैसे वो पता ही हमको। अभी एक ऐसी स्त्री जिसके ऊपर वस्त्र नहीं है और जो नहा रही है, साथ में खूबसूरत भी है, और दाऊद ने उस स्त्री को देखा। जैसे ही उस स्त्री को देखा, नहाते हुए देखा, दाऊद के अंदर गलत सोच आई, दाऊद के अंदर विचार की आत्मा काम करने लगी और दाऊद को वो स्त्री बहुत खूबसूरत लगी और उसको ऐसा हुआ कि मैं इसके साथ जब विचार करूँगा मैं इसके साथ सो जाऊँगा। तो राजा थे, उनको कौन मना करने वाला था। तो दाऊद ने किसी को भेजा होगा, जाओ उसको बुला कर लेकर आओ। अभी वो आई तो उसको भी पता चल गया कि दाऊद राजा ने किस बात के लिए बुलाया है। तो वो भी खुश थी, वो भी तैयार थी इस बात के लिए। क्यों, दाऊद राजा भी ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी तो दिखने में हीरो के जैसे होंगे, अच्छी हाइट बॉडी, अच्छे योद्धा थे। तो स्त्री को भी पसंद था कि अगर दाऊद जैसा मर्द मिल जाए तो क्या ही बात है। तो फिर ये दोनों ने अपनी मर्जी से दोनों को एक दूसरे के साथ सोने की अपनी खुद की मर्जी थी और दोनों ने इस बात के लिए आनंद उठाया, दोनों ने जब विचार किया। अब दाऊद जो है उनके अंदर ये लालसा बढ़ गई कि किसी भी तरह से पास सेवा को अपनी पत्नी बनाना है। तो उन्होंने छानबीन करवाई उसका पति है कौन। तो उसका पति वो हित्ती था, हित्ती एक जाति है, और उसका नाम था उरिया। और उरिया बहुत अच्छे योद्धा थे, इतने अच्छे योद्धा थे और दाऊद को वफादार भी थे। लेकिन दाऊद को जब पता चला तो उन्होंने उस उरिया हित्ती को बुलाया और उन्होंने देखा कि मुझसे वफादार भी है लेकिन इतने अंधे हो चुके थे कि बस बात से बात तो चाहिए ही चाहिए, और बीच में अगर कांटा है तो उरिया हित्ती है। तो उन्होंने एक खत लिखा, योआब जो दाऊद के सेनापति थे उनके ऊपर लेटर लिखा, और लेटर में ये लिखा कि देखो लड़ाई चल रही है तो उरिया को मैं भेज रहा हूँ लड़ाई में। तो उरिया जो है वो उसको लड़ाई करते करते अंदर की साइड लेकर जाना, अंदर की साइड बोले तो दुश्मन के करीब लेकर जाना जहाँ दुश्मन के लोग ज़्यादा हो। और फिर जो आपको ये बताया गया उस खत में कि धीरे धीरे कर आप लोग पीछे हट जाना, मैं दाऊद की सेना धीरे धीरे पीछे हट जाएगी तो उरिया अकेला रह जाएगा, अकेला रह जाएगा तो सामने वाले ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे तो उरिया को मार देंगे, लोगों को क्या पता चलेगा कि उरिया अपने देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन सही में ये दाऊद का किया हुआ मर्डर था, चाहे दाऊद वहाँ पर नहीं थे, चाहे दाऊद ने वहाँ पर तलवार नहीं चलाई लेकिन दिमाग से मर्डर कर दिया। तो वो चिट्ठी, वो खत दाऊद ने योआब को पहुँचाया किसके जरिए, वही उरिया हित्ती के जरिए। बोला होगा इसको तू मत पढ़ना, और वहाँ पर जाकर जब योआब ने ओके खत पढ़ा योआब समझ गए होगा कुछ, तो उन्होंने दाऊद का कहा हुआ किया और उरिया हित्ती को अंदर लड़ाई के लिए लेकर गए। और फिर लड़ाई बहुत चल रही थी, ये धीरे धीरे पीछे हट गए और धीरे धीरे पीछे हटने के बाद दुश्मन लोगों ने उरिया हित्ती को मार दिया, खत्म कर दिया। अभी ये बात पता चली, फिर उसके दुख के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने बाकायदा बादशाह को अपने घर में बुला लिया और उसके साथ बिंदास से रहने लगे। लेकिन ये बात टोटली गलत थी। अब देखो शादी के बारे में जो बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 13 अध्याय और वचन 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं विवाह शादी वो आदर के योग्य है, वो परमेश्वर की अच्छी बात है। आदम और हवा की शादी परमेश्वर ने करवाई थी, इसहाक रिबेका की शादी परमेश्वर ने करवाई थी, तो शादी परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान अकेला ना रहे, लेकिन इसका मतलब व्यभिचार कतई नहीं है। क्या लिखा है, बिछोना निष्कलंक रहे।
मतलब जिस बेड पर आप सोते हो उस पर सिर्फ आपकी पत्नी होनी चाहिए और किसी की पत्नी नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर कहते हैं बिछुना निष्कलंक रहे, मतलब जब विचार वहाँ पर नहीं करना है वो साफ करना चाहिए। फिर परमेश्वर बोलते पर स्त्री गामियों, मतलब जो दूसरों की स्त्री के साथ सोते हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं। और दाऊद ने यही काम किया, जो उनको नहीं करना था वही काम किया, दूसरी शादी की, दूसरी की पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया और पति को बीच में से हटा दिया, उसका मर्डर करवा दिया, उसको मार दिया। और जो मूसा थे, मूसा के जीवन में ऐसा हुआ था कि मूसा की पत्नी जो सिप्पोरा थी वो मूसा को छोड़कर चली गई थी। बाइबल पढ़कर देख लेना तो पता चल जाएगा, सिप्पोरा मूसा के साथ नहीं रहती थी। और इस कारण जब मूसा ने शादी की तो मूसा वो थे जिनके साथ परमेश्वर आमने सामने बैठकर बातचीत किया करते थे। और इसलिए जब मूसा ने शादी की तो मूसा ने परमेश्वर से पूछे बिना शादी नहीं की थी, परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई की होगी, बाइबल में लिखा नहीं। लेकिन परमेश्वर व्यभिचारी लोगों का पक्ष नहीं करते। अगर मूसा का ये व्यभिचार होता तो परमेश्वर मूसा का पक्ष कभी नहीं करते, चाहे मूसा के जैसा भविष्यवक्ता कोई हुआ या नहीं हुआ, परमेश्वर नहीं छोड़ते उनको भी। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ होगा, परमेश्वर ने भूला होगा, तभी मूसा ने ये कदम उठाया, वरना मूसा ये कदम नहीं उठाते। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लिया और मरियम और हारून को डांटा, क्यों मेरे दास के विरोध में बोलते हो, क्यों उसके विरोध में जाते हो। तो उन्होंने, परमेश्वर ने मूसा का पक्ष इसी कारण लिया था क्योंकि मूसा सही थे। लेकिन दाऊद की शादी वो शादी नहीं थी, वो व्यभिचार था, वो मर्डर था। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि ये गलत बात है और इसलिए वो व्यभिचारी ठहरा दाऊद, इसलिए परमेश्वर ने उनका साथ नहीं दिया वरन उनको दंड दिया। कितना बड़ा दंड दिया, जो व्यभिचार से बच्चा पैदा हुआ था वो भी मर गया, उनके घर में से उनका बड़ा लड़का जो था अबशालोम वही दाऊद के विरोध में खड़े हो गए, दाऊद को भागना पड़ा। कितना कुछ दाऊद के साथ हुआ, परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया क्योंकि दाऊद ने जो किया था वो व्यभिचार किया था। बाइबल में गिनती का पुस्तक उसका 12 अध्याय और दूसरा शमूएल उसका 11 और 12 अध्याय ये जरूर पढ़ना, इसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो जब मूसा ने शादी की थी तो आदर के योग्य शादी थी, जब दाऊद ने की थी तब वो शादी नहीं थी, वो व्यभिचार था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया लेकिन मूसा का पक्ष किया। अब मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ उनकी आज्ञाकारी में रहते हुए उनसे पूछकर किसी से भी शादी करते हो वो आदर योग्य समझी जाएगी। लेकिन अगर आप ये विचार करते हो, अगर आप खुद किसी को पसंद करते हो, अपनी मर्जी से उसके साथ शादी करते हो, वो परमेश्वर की निगाह में शादी नहीं होगी, वो ये विचार होगा और उसके लिए आपको दंड पक्का मिलेगा। आपका शादी का जीवन चाहे आप बिता ही दो लेकिन आनंद से नहीं जाएगा आपका जीवन, बीमारियों में ऐसी वैसी बातों में आपका जीवन चला जाएगा, लेकिन आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद मूसा को परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिलता था। तो इसलिए व्यभिचार मत करो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में अच्छी लड़की के साथ शादी करो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।